अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरे की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश लगातार हो रही है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसने इस केस को और भी उलझा दिया है। बागमबरी मठ के जिस कमरे में नरेंद्र गिरे का शव मिला था, उसी कमरे का वीडियो सामने आया है जो मौत के तुरंत बाद का है। करीब 1.5 मिनट के वीडियो में कमरे में काफी चीजें फैली हुई दिख रही है। महंत नरेंद्र गिरी का शव भी वहां पर है। वीडियो से मिली अलग अलग जानकारी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब भी ढूंढे जा रहे हैं। पांच के पंच में दूसरी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा आज से शुरू हो गया है। हाथ में छाता लेकर नरेंद्र मोदी प्लेन से बाहर निकले। सफर के दौरान उन्होंने काम की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। मोदी का एयर इंडिया वन विमान भारतीय समयानुसार गुरुवार को 3:30 बजे वॉशिंगटन DC के एयरपोर्ट पर उतरा। हालांकि अमेरिका में ये शाम करीब 6 बजे का वक्त था और मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय भी वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद था। मोदी नमस्ते करते हुए प्लेन से बाहर आए और वहां मौजूद भारतीयों से हाथ में मिलाया। पांच के पांच में अब तीसरी खबर है, अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खेलने को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान में क्रिकेट बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया है और महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हामिद शिनवानी की जगह नसीबुल्ला हकनानी ने ली है और ऐसे में अगर अफगानिस्तान की टीम तालिबान के झंडे तले खेलती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उस पर बैन लगा सकती है। आज के पंच में चौथी खबर है, एक्टर विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सनक को लेकर चर्चा में है। अब हाल ही में विद्युत ने इस फिल्म का पहला पोस्टर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि मैंने सुना है सनक कुछ भी करा सकती है और प्यार में सनकी बन सकता है। अब मेरी सनक करेगी सारी हरी पार। मेरी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म सनक जल्दी OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर आ रही है। कनिष्क वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विद्युत के अलावा बंगाली एक्ट्रेस रुक्मणी मित्रा, चंदन रॉय, सान्याल और नेहा धूपिया भी लीड रोल में है। विपुल अमृतलाल शाह जी स्टूडियोज की इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट जल्दी की जाएगी। पांच के पंच में पांचवी और आखिरी खबर है, बिग बॉस OTT के बाद हर किसी को बिग बॉस 15 का बेसब्री से इंतजार है, जिसका धमाकेदार प्रीमियर 2 अक्टूबर को होने वाला है। शो में बिग बॉस OTT के टॉप 5 फाइनलिस्ट प्रतीक सहजपाल की एंट्री तो पक्की है, जिसके बाद अब कई अन्य सेलेब्स के नाम भी शो में हिस्सा लेने के लिए सामने आ रहे हैं। इस सीजन में बिग बॉस 13 फैम आसिम रियाज के बड़े भाई उमर रियाज भी एंट्री लेंगे, जिसके लिए उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। उमर के फैन पेज और शो के खबरी पेज द्वारा उनकी एंट्री पर कंफर्मेशन दी गई है। पांच के पंच में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी राइट।